चाइना ने प्रयास किया अपना अलग स्पेस स्टेशन बनाने का 2011 में, 29 सितंबर 2011 की बात करें तो उस स्पेस स्टेशन पे अब एक परिस्थितियां बनी हैं। आज रात या कल सुबह तक या अगले 48 घंटे में संभावना यह है कि किसी भी वक्त वो पृथ्वी से टकरा सकता है, क्रैश कर सकता है पृथ्वी में आकर। जब वो पृथ्वी में क्रैश करेगा, अगर सारी चीज़ ख़त्म हो गई होती आसमान में ही तो कोई बात ही नहीं होती, कोई चर्चा ही नहीं होती, लेकिन उसका कुछ परसेंट हिस्सा एक गोली की तरह हमारे पृथ्वी से कहीं ना कहीं वो या तो समुद्र में जाके टकराए या किसी धरती पर जाके टकराए। और संभावना है कि स्पेस फ्रांस और दूसरे अन्य किसी देश पर टकराने की संभावनाओं से पूरी तरह से वो है। खास बात स्पेन और फ्रांस को लेकर है। अगर हम इस समय लाइव ट्रैकिंग देखें उसकी, तो यहाँ आपको दिख रहा है, अगर आप देखें टैंगोंग इस समय यहाँ पर अमेरिका की साइड में है और यहाँ दोपहर के वक्त है वेस्ट इंडीज़ के करीब, जहाँ ब्राज़ील की हम बात कर रहे हैं। और इस समय जो दूरी पृथ्वी से दूरी है वो लगभग 153 किलोमीटर की है। अगर हम 4-5 बजे के आसपास की बात करें तो लगभग भारत के आसमान से वो आसानी से विजिबल था 5-6 बजे के आसपास, और उस समय उसकी दूरी जमीन से 160 किलोमीटर ऊपर थी। महत्वपूर्ण बात ये जिस तरीके से जा रहा है, लाइव हम लोग देख पा रहे हैं इसको, जब ये गिरने की संभावना है तो वो इस जगह से है, इस पट्टी में वो गिरेगा। अगर हम इस पट्टी में बात करें, अभी भी जानकार लोग ये कह रहे हैं कि ये कहीं पर भी गिर सकता है, लेकिन संभावनाएं स्पेन और फ्रांस की ज़्यादा मानी जा रही हैं। अब बात आती है कि ये जो स्पेस स्टेशन है ये केवल 2 साल के लिए बना था 2011 में, और केवल इस पर 3 बार डॉकिंग हुई। डॉकिंग का अगर मतलब समझने की कोशिश करें आप, कि जब किसी अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन के साथ में कोई चीज़ जाके जुड़ती है तब वो महत्वपूर्ण है। कट करें, अगर हम डॉकिंग की बात करें तो स्पेस स्टेशन के साथ कोई चीज़ जाके जुड़ती है, ज़रूरी नहीं है कि वो मैन मेड हो या मैंड हो, इंसान उसके अंदर हो, बिना इंसान के भी रिमोट से चलने वाली डॉकिंग भी की जा सकती है। तो जब इस तरह की डॉकिंग होती है तो उसको 3 बार ही ऐसा मौका मिला टैंगोंग 1 को, जब वो डॉकिंग कर पाया। एक सेंजो ना एर्थ था जो नवंबर 2011 में किया गया, सितंबर के बाद नवंबर में किया गया डॉकिंग की गई, पहला टेस्टिंग किया गया लेकिन उसमें कोई भी आदमी नहीं था। लेकिन जून 2012 में और जून 2013 में दोनों में 3 एस्ट्रोनॉट डॉकिंग के साथ, 3 एस्ट्रोनॉट गए और जिन्होंने डॉकिंग किया, और उस प्रकार से कुल ही टोटल 3 डॉकिंग इसके अंदर हुई। लेकिन 16 मार्च 2016 को इसको एक तरीके से कहा जाए फ्री कर दिया गया और छोड़ दिया गया। अब इसके जो फ्लैप हैं, जो कहना चाहिए सोलर पैनल हैं, वो अलग हो चुके हैं और अब वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर कभी भी आ सकता है। जैसे ही वो 100 किलोमीटर की दूरी पर आएगा हमारे यहाँ से, अभी जो फिलहाल दूरी है वो लगभग 153.6 किलोमीटर की दिखाई दे रही है, लेकिन इसके बाद जैसे ही वो 100 किलोमीटर की दूरी पर आएगा तो वो क्रैश करेगा और वाक जल लेगा, और जलने के बाद लगभग उसका 70 से 90% हिस्सा जल जाएगा, केवल कुछ ही हिस्सा बचेगा जो गोली की तरह पृथ्वी पर आएगा। भगवान ना करे कि वो किसी आबादी वाले हिस्से पर गए गिरे। लेकिन चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि इन ऐसी ढेरों चीज़ स्पेस में है, और चाइना की इमेज तो बहुत ही अलग तरीके की है, यूज एंड थ्रो वाले सामान की। बहुत सारी चीज़ें हमने एक स्पेस पे मलबा इकट्ठा कर दिया है, उस मलबे में से कुछ चीज़ें धीरे धीरे करके पृथ्वी के हिस्से में आती रहती हैं और वो जलती रहती है। लेकिन जब कभी ऐसी बात होती है जो पृथ्वी से टकराने वाली बात होती है, तब थोड़ा सा चिंता का विषय बनती है।
उसी तरह की चिंता का विषय ये भी बन रहा है। और लगातार किसी भी क्षण जिस तरीके से वो नीचे की तरफ गहराई में आ रहा है, पहले जो स्पीड थी वो 6 किलोमीटर प्रति सप्ताह थी, लेकिन अभी वो स्पीड बहुत तेज़ी के साथ घट रही है। शाम के वक्त जब भारतीय समय में दिन छिप रहा था, पृथ्वी से देखा जा सकता था, नेकेड आई से भारत से हम लोग देख पा रहे थे, उस समय में उसकी दूरी मात्र 160 किलोमीटर थी और अभी 148 से और 153 के बीच में है। इट मीन्स ये है कि कहीं ना कहीं वो आज रात या अगले 48 घंटे में ये पृथ्वी के अंदर आकर क्रैश हो सकता है। संभावनाएं तो ये की जा रही हैं कि शायद वो आज रात मध्यरात्रि में या फिर सोमवार की सुबह तक किसी भी तरह क्रैश हो सकता है। भगवान न करे किसी आबादी या बस्ती पर गिरे, जान माल का नुकसान ना हो। बस यही दुआ और अपेक्षाएं इस स्पेस स्टेशन के साथ। मुझे लगता है कि साइंस का डेवलपमेंट कहीं ना कहीं मुझे अजीब सा लगता है। कई बार हम लोग बड़े खुश होते हैं कि विज्ञान का विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन साइंस इज़ ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। और अब लगता है कहीं रूप में कहीं विज्ञान बैड मास्टर तो नहीं बन रहा, ये देखना पड़ेगा और ये समय ही तय करेगा। इस प्रकार की वीडियो या साइंटिफिक एक्टिविटीज से अपडेट रहने के लिए इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।